शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान रिलीज से पहले ही विवादों में घिरी नजर आ रही है। फिल्म के गाने बेशरम रंग में दीपिका की ड्रेस को लेकर विरोध किया जा रहा है तो फिल्म पर बैन लगाने की भी मांग की जा रही है। सिर्फ हिंदू संगठन ही नहीं, कुछ मुस्लिम संगठनों ने भी इस फिल्म का विरोध किया है। मध्य प्रदेश के ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष काजी सैयद अनस अली ने कहा कि अगर पठान फिल्म रिलीज हुई तो विरोध करेंगे। उलेमा बोर्ड ने ऐलान किया कि पठान मूवी बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि इस फिल्म के अंदर मुस्लिमों का भी विरोध है। इस फिल्म को लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं हिंदू सेना ने पठान फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमने सेंसर बोर्ड को इस संदर्भ में एक पत्र भी लिखा है, अगर उस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा और हमारा संगठन उग्र प्रदर्शन भी करेगा। हिंदू सेना ने सिनेमा घर मालिकों को धमकी दी है कि अगर फिल्म रिलीज की गई तो नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। संगठन में सेंसर बोर्ड को भी चेताया गया है कि जिम्मेदारी से काम करें, नहीं तो हिंदू सेना को सेंसर बोर्ड के खिलाफ भी मोर्चा खोलना होगा। जयपुर के शाहपुरा में जय श्री राम सेवा समिति फिल्म पठान के विरोध में उतर आई है। जय श्री राम सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने शहर के पिपली तिराहे पर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का पुतला फूंका तथा विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी को पत्र लिखकर फिल्म पठान पर बैन लगाने की मांग की है। जय श्री राम सेवा समिति के संयोजक रमेश कुमावत ने कहा कि फिल्म पठान ने दीपिका पादुकोण ने बिकनी पहनकर साधु संतों और आस्था के प्रतीक भगवा रंग का अपमान किया है। हिंदू संस्कृति व धर्म के साथ छेड़छाड़ व अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं धार्मिक नगरी वाराणसी में भी पठान फिल्म को लेकर विरोध देखने को मिला। नगरी वाराणसी में JHV मॉल के सामने हिंदू संगठनों ने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का पुतला जलाकर फिल्म को काशी में किसी भी सिनेमा हॉल में लगने नहीं देने की धमकी भी दी है। आम जनता से मांग की गई है कि इस फिल्म का बहिष्कार करें। गौरतलब है कि पूरे देश में पठान फिल्म को लेकर बहिष्कार की मांग चल रही है। शाहरुख खान की फिल्म पठान को बैन करना कितना सही है, इस वीडियो के कमेंट में आप हमें जरूर बताएं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।